ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच चल रही लड़ाई ने एक नया रूप ले लिया है। हाल ही में कंगना द्वारा दिए इंटरव्यू में उन्होंने ऋतिक को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी। उनका और ऋतिक के बीच चल रहा केस अब बंद हो चुका है, लेकिन खुलासा ये भी हो गया कि इनके बीच चल रहा केस बंद नहीं हुआ है। ऋतिक रोशन ने अपनी तरफ से एक याचिका को सार्वजनिक कर दिया है, जिसके अनुसार कंगना ने काफ़ी समय तक ऋतिक का पीछा किया था। ऋतिक ने कंगना के खिलाफ 29 पेजेस की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंगना उनसे सेक्सुअल मेल करती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस बात की पुष्टि की है कि ऋतिक के वकील महेश जेठमलानी ने ऋतिक की तरफ से मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों ने ये भी बताया है कि ऋतिक ने अपने सभी फोन और लैपटॉप पुलिस के पास सबूत के तौर पर जमा कर दिए हैं। ऋतिक की तरफ से दर्ज की गई कंप्लेंट्स में कहा गया है कि कंगना ने उनका पीछा किया था। ऋतिक के अनुसार कंगना ने खुद को उनका इंटरनल लवर बताया। कुछ समय तक वो इस बात को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन बाद में कुछ मेल ऐसे थे जिन पर ऋतिक ने शिकायत दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।